हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह के ब्लाउज की बैक डिज़ाइन बनाएंगे। इस ब्लाउज़ में मैंने रानी कलर की डिज़ाइन लगाई है और ब्लू कलर की पाइपिंग लगाई है। सबसे पहले इस ब्लाउज का हम पेपर पे ड्राफ्ट काट लेते हैं। गले की चौड़ाई पे 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और लंबाई 12 इंच पे, और ऊपर से 8 इंच के ऊपर एक निशान और लगाते हैं लंबाई में, और चौड़ाई में 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इस तरह गले की डिज़ाइन बना लेते हैं। अब ऊपर से 3.5 इंच से इस तरह हम पत्ती की शेप की डिज़ाइन बना लेते हैं। अब इन सभी पीसों को काट लेते हैं। ये हमारे गले के सभी पीस कट गए हैं। अब इन सभी को हम अस्तर पे और ब्लाउज के कपड़े पे काट लेते हैं। इस तरह अस्तर पे गला काट लेते हैं और ये ब्लाउज के कपड़े पे काट लेते हैं। ये साइडों की डिज़ाइन इस तरह काट ली मैंने, और इसको पीछे की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, और इनके पीछे की तरफ मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम चिपका ली। ये सेंटर का पीस। गले के ऊपर जो रानी कलर की डिज़ाइन लगेगी उसको मैंने इस तरह काट लिया है और उसके पीछे बुकरम चिपका लिए। अब हम अस्तर के और ब्लाउज के कपड़े को गले से आपस में जोड़ देते हैं। इस तरह हमने ये दोनों पीस आपस में सिल लिए हैं। अब हम इसको यहाँ से काट लेते हैं। अब सभी पीस पे हम नीले रंग की पाइपिंग लगा लेंगे। इसी तरह अब इसकी दूसरी तरफ भी पाइपिंग लगा लेंगे। इस तरह इसके दोनों तरफ पाइपिंग लग जाती है। अब हम इन पीसों पे भी पाइपिंग लगा लेंगे।
इसी तरह हम इसके दूसरे पीस के भी लगा लेते हैं और सेंटर के पीस के भी लगा लेते हैं पाइपिंग। इस तरह हमने सभी पीसों के पाइपिंग लगा लिए। अब हम गले का हिस्सा लेते हैं और इसे इस तरह उल्टा करके यहाँ से पिन कर लेते हैं, बिल्कुल सेंटर से सेंटर को मिला के। अब हम इसकी सिलाई शुरू करें। इस तरह ये पूरा लग जाता है। अब इसको जब हम ऐसे सीधा करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह हम बाकी के पीसों को भी कर लेते हैं। इस तरह हमारा ये पीस भी तैयार हो गया। इसी तरह बाकी के पीस भी हम तैयार कर लेंगे। अब इस तरह इसको सीधा करके ऊपर से इसके सिलाई लगा लेंगे। ये बीच का हिस्सा तैयार हो गया। अब हम रानी कलर का कपड़ा लेंगे और उसकी पट्टियां बनाएंगे। अब हम ये पट्टी बनाएंगे जो मैंने 1.5 इंच के लिए। हम इस पट्टी को सीधा कर लेंगे। इस तरह पट्टी हम पूरी सीधी कर लेते हैं। अब हम ये सेंटर का पीस लेते हैं और इस पे इस तरह चौक से निशान लगा के ये पट्टी लगा लेते हैं। पट्टियां लगा लेते हैं। अब हमारे ड्राफ्ट के कटिंग लेंगे और इसको इस तरह से ट्रेस कर लेते हैं।
इस तरह साइड की कटिंग लेंगे और ये हमारा ड्राफ्ट का हिस्सा लेंगे। इसको भी इधर साइड से ऐसे चाप लेते हैं। अब हम इसको इस तरह यहाँ से पकड़ के यूँ सिलाई कर देते हैं। इसी तरह अब हम इधर दूसरा पीस भी जोड़ लेंगे। अब यहाँ से हम ये दूसरा पीस सेंटर के पीस से जोड़ देते हैं। इसे नीचे तक सिलाई कर देते हैं। इस तरह ये दोनों पीस तीनों पीस आपस में जुड़ जाते हैं। हम ब्लाउज का यही वाला हिस्सा लेते हैं। और इसे इस तरह करके पिनअप कर लेते हैं। रही है हमारा पूरा गला हम पिनअप कर लेते हैं। अब ये सेंटर का पीस लेते हैं। अब हम हमारे ड्राफ्ट का हिस्सा लेते हैं और उसको इस तरह रख के निशान लगा लेते हैं कि हमको कहाँ से लगाना है। और फिर इसकी सिलाई शुरू करते हैं। अब ये वाला पीस इस निशान से इस तरह अटैच कर लेते हैं। ये हमारा गला पूरा हो गया है। अब इधर से भी इस पाइपिंग को अंदर मोड़ के हम सिलाई कर देते हैं। अभी हमारा गला पूरा हो गया है। अभी हमारा गला पूरा हो गया है। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।